हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीके किचन कॉर्नर। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी मसाला, बहुत सिंपल और इजी तरीके से। इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालने वाली हूँ, हो सकता है आपने भी वो चीज़ मैगी मसाला में कभी यूज़ की हो। चलिए चेकआउट कर लेते हैं वही चीज़ है या नहीं, और अब शुरू करते हैं ये सिंपल इजी क्विक मैगी मसाला बनाना। यहाँ पे मैं 3 पैकेट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मल 12 रुपीज़ वाला जो मैगी मसाला पैकेट होता है येलो कलर का, वही वाला मैंने लिया है। और साथ में है 3 टेस्ट मेकर मसाला इसके साथ जो आते हैं। सब्जियों में मैं अगर बोलूँ तो सिंपली हम यूज़ करेंगे प्याज, एक मीडियम नहीं छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है मैंने, इसे लंबा स्लाइस कर लिया है। शिमला मिर्च ली है सिर्फ आधी, साथ में ग्रीन चिली डाल रहे हैं 2, और 1 टमाटर। सारी चीज़ों को रफली चॉप किया है, बड़े छोटे टुकड़े जैसे आपको पसंद है आप काट सकते हैं। सीजनिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच केचप, और ये ऑरिगेनो सीजनिंग जो डोमिनोज के साथ आता है उसे यूज़ करने वाली हूँ। इसके साथ जो मैगी का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। मैं यहाँ पे 1 पैकेट डालने वाली हूँ। अगर आप ज़्यादा और इन्हांस करना चाहते हैं तो 2 पैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर। इन सारी चीज़ों के साथ अब हम बनाएंगे मैगी। तो चलिए, हमारे पैन में ऑयल गर्म हो चुका है, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है हमें, सिर्फ 1 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है सबसे पहले आपको प्याज और हरी मिर्च डाल देनी है इसमें। ज़्यादा नहीं हम इसे भूनेंगे, थोड़ा सा क्रंचीनेस लाना है इसलिए मैं हाई फ्लेम पे इन सब्जियों को भूनने वाली हूँ, और इसे हम सिर्फ 40% भूनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से भूनते हुए जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमारे जो टमाटर के टुकड़े थे वो भी बड़े साइज़ में थे, अगर आपने बहुत ज़्यादा बारीक काटा तो उसकी बिल्कुल चटनी सी बन जाएगी अंदर, और टमाटर नज़र नहीं आएंगे कि हमने डाले हैं, इसलिए हमें वैसा नहीं करना है। आप अगर बड़े टुकड़ों में डालते हैं तो वो नहीं गलते जल्दी और आसानी से नज़र आते हैं कि हमने मैगी मसाला में इन्हें यूज़ किया है। जैसे हल्के से टमाटर सौते हो जाते हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स थे यानी कि जो सीजनिंग का सामान था, हल्दी, नमक, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर, इसे मैंने ऐड कर दिया है। नमक डालते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी सीजनिंग जो साथ में मिलती है मैगी मसाला के पैकेट के साथ, जो टेस्ट मेकर मिलता है, उसमें पहले से ही नमक होता है, तो आपको नमक सिर्फ उतना ही डालना है जो एक्स्ट्रा सब्जियाँ आपने ऐड की हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए। अगर आपने डाल दिया टोटल वैसे नमक की 3 पैकेट मैगी है, सब्जियां हैं, तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, नमक थोड़ा सा ही डालें। इनफैक्ट मसाले वगैरह से भी हल्के ही डालें क्योंकि टेस्ट मेकर में बहुत अच्छे सारे फ्लेवर्स होते हैं। थोड़ा सा एनहांस करने के लिए यहाँ पे ऑरिगेनो सीजनिंग डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी मिक्स्ड हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच टोमेटो केचप डाला है, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं आप, बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको पता है, तो उस हिसाब से जो चीज़ों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हल्का सौते कर लें। यहाँ पे फ्लेम मैंने थोड़ा सा मीडियम कर लिया था। अब जो मैगी मसाला के साथ आती है सीजनिंग वो इसमें डालेंगे। 3 के 3 पैकेट मैंने इसमें डाल दिए हैं। हल्का पानी इसलिए डाला है ताकि मसाले जले ना और अच्छे तरीके से पक जाएं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको। और अब इस स्टेज पे हम पूरा पानी डालेंगे जितना 3 पैकेट मैगी को लगता है। जनरली पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि अगर 1 मैगी है तो 1 कप डालें, तो आप चाहें तो वैसे डाल सकते हैं 3 कप, नहीं तो मैंने यहाँ पे जो पानी का हमारा ग्लास होता है जिसमें हम पानी पीते हैं वो मैंने 1.5 कप डाला है, यानी कि 1 मैगी के लिए आधा ग्लास, तो अगर 3 मैगी है तो 1.5 ग्लास। पानी डालने के बाद यहाँ पे आप फ्लेम बिल्कुल हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से इसमें बॉईल आ जाए। जैसे ही पहला बॉईल आ जाता है थोड़े से बबल्स आपको नज़र आने लगते हैं, उस स्टेज पे आप जो मैगी नूडल्स के केक हैं वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने इन सारे केक्स को आधा आधा तोड़ लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा लंबे नूडल्स नहीं चाहिए थे, लेकिन बच्चे पसंद करते हैं लंबे नूडल्स, तो आप इन्हें तोड़िए नहीं और ऐसे ही इसमें ऐड कर दीजिए। और अगर इससे भी छोटे टुकड़े पसंद हैं तो और ज़्यादा छोटे टुकड़े करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पे फ्लेम फ़िलहाल हाई है, उतना देर आपको हाई रखनी है जब तक नूडल्स थोड़े से सॉफ़्ट नहीं हो जाते और आसानी से मिक्स नहीं हो जाते। जब नूडल्स सॉफ्ट हो जाएंगे उस स्टेज पे आपको इसकी जो फ्लेम है मीडियम कर देनी है, वरना जो पानी है बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और जो नूडल्स हैं वो अंदर तक पकेंगे नहीं, तो हमें वैसा नहीं करना है, इसलिए मीडियम फ्लेम पर आपको इस नूडल्स को पकाना है। बीच बीच में आप स्पैटुला से या फिर फोक से इसे हिलाते रहिए ताकि ऊपर नीचे अच्छे तरीके से ये पक जाएँ। बेसिकली हमें मीडियम फ्लेम पे इसका जो पानी है वो ड्राई करना है।
जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी नज़र आ रहा है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं। ड्राई मैगी पसंद है, थोड़ी सी सूपी पसंद है तो हल्का सा पानी रहने दे सकते हैं। वैसे सूपी मैगी के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा, ये ड्राई मैगी की रेसिपी थी इसलिए मैंने 1.5 ग्लास डाला था। तो बस इसी तरीके से आप बनाइए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप फ्यूचर में मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू हैव अ नाइस डे।